प्रेगनेंसी के टाइम वजन बढ़ना नॉर्मल बात है और डिलीवरी के बाद बेली फैट निकल ही आता है। ऐसे नहीं है कि इसे कम नहीं किया जा सकता है। आप अपनी जीवन शैली और डाइट में कुछ बदलाव करके पेट की चर्बी को कम कर सकती हैं और इसमें आप योगा भी कर सकती हैं। तो आज मैं आपको कुछ अपनी प्रेगनेंसी के बेली फैट को कम करने के लिए योगा टिप्स बताऊंगी। सबसे पहले आता है मार्जरी आसन। इस आसन को कैट पोज भी कहते हैं। इसे कंधों और कलाई को मजबूती मिलती है। यह आसन पाचन तंत्र के अंगों को आराम देता है और उन्हें स्ट्रेच मजबूती एवं लचीला भी बनाता है। इसे रीढ़ की हड्डी में भी मजबूती और लचीला बनाता है। आप डिलीवरी के बाद रिकवरी होने पर मार्जरी आसन कर सकती हैं। सेकंड हम बात करते हैं विपरीत करनी आसन। पेट को साफ करने के लिए विपरीत करनी आसन किया जाता है। ये आसन पानी को छोटी छोटी आंत से बड़ी आंत में जल्दी जल्दी मूव करता है। हार्मोन सिस्टम को उत्तेजित करने और शरीर को मजबूती देने के लिए यह आसन किया जाता है। इसे शरीर और मन दोनों ही रिलैक्स होते हैं और परिसंचरण तंत्र को भी ये ठीक करने का काम करता है। थर्ड बात करते हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में पूरे शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। इस आसन से गर्दन में खिंचाव को ठीक किया जा सकता है। यह नसों और पूरे शरीर में खून के प्रवाह को तेज करता है और नसों के ब्लॉक होने या फिर स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। त्रिकोण आसन को करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उत्तेजित होता है और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में भी सुधार आता है और कंधों की संरचना में भी सुधार आता है। यह आसन प्रेगनेंसी के बाद गैस, अपच, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से भी राहत दिलवाता है। त्रिकोण आसन में एड़ियों और हथेलियों को मजबूती भी मिलती है और तनाव एवं एंजाइटी से भी छुटकारा मिलता है। इसके बाद आता है गोमुख आसन। गोमुख आसन हठ योग का एक हिस्सा है और इस आसन से शरीर में संतुलन आता है और बॉडी स्ट्रेच भी होती है। ये आसन प्रेगनेंसी के बाद बेबी की देखभाल और शरीर में आए बदलावों की वजह से होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभासन के बारे में। यह योगासन कंधे और हाथों को मजबूती प्रदान करता है। इसे रीढ़ की हड्डी के साथ मांसपेशियों को भी ताकत मिलती है और स्टेमिना और शक्ति भी बढ़ाता है। इस आसन से पेट की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इन सभी आसनों को कब शुरू कर सकती हैं। डिलीवरी के बाद योग या कोई भी एक्सरसाइज करना सही नहीं रहता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कम से कम 6 हफ्ते के बाद आपको योगा शुरू करना होगा। इतने टाइम में शरीर पूरी तरह से रिकवर कर चुका होता है और आपके टांके भी भर जाते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन से रिकवर करने में इससे ज़्यादा समय लगता है। हालांकि हर फीमेल में रिकवरी का टाइम अलग होता है, इसीलिए आप योग या फिर कोई भी एक्सरसाइज करने शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो ये थे कुछ आसन जो आप प्रेगनेंसी के बाद बढ़े हुए बेली फैट को कम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर वीडियो से कुछ टिप्स मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।